Hello everyone, my name is Vijayashree and welcome to the second tutorial of our subject Electrical Power Generation. Introduction part में हमने सबसे पहले देखा था importance of electrical energy. ठीक है, हमने देखा कि various domestic, industrial, agricultural, entertainment industry के लिए हम किस तरीके से electrical energy का उपयोग करते हैं और कितनी हमारे लिए needy है. नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ पावर जनरेशन. उसमें हमने देखा कि जिस तरह का भी सोर्सेस है नेचर में अवेलेबल, उनका उपयोग करके उनकी एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा थे सोर्सेस, जिस तरीके के भी सोर्सेस नेचर में हमें अवेलेबल है उनका यूज करके हमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है. नेक्स्ट हमने देखा था उसका क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो हमने क्लासिफिकेशन में देखा था रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एंड नॉन रिलेबल एनर्जी सोर्सेस. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को हम नॉन कमर्शियल सोर्सेस और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस भी कहते हैं, और वैसे ही नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस को कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस मतलब कौन से, जो हम नेचर में रिन्यू कर सकते हैं, जो हमें फ्रीली अवेलेबल है नेचर से. फर्स्ट इज सोलर एनर्जी, सेकेंड इज विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल, हाइड्रो एनर्जी. ठीक है, नॉन रिन्यूएबल में कौन से आएंगे, जिनके लिए हम पैसे देते हैं, ऑयल, कोल, नेचुरल गैसेस, न्यूक्लियर मटेरियल. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रीन एनर्जी. तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीन एनर्जी का मीनिंग. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका मीनिंग. ठीक है, now what is the meaning of green energy? Green energy is any type energy that is generated from natural resources such as sunlight, wind or water. ठीक है, green energy is any type energy that is generated from natural resources such as sunlight, wind or water. Okay, तो green energy मतलब क्या, वो energy जो कि जनरेट होती है नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे कि सनलाइट, विंड और वाटर. तो जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, जिनसे किसी भी तरह की फ्यूम्स नहीं निकलती या किसी भी तरीके का वेस्ट मटेरियल नहीं निकलता, जो नेचर को हार्म नहीं करता, द की विद दिस एनर्जी resources are that they don't harm the environment. Through the factors such as releasing greenhouse gases into the atmosphere. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रीन एनर्जी हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है, वो किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाती हमारे नेचर को. ठीक है, किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाती, जैसे कि किसी तरह के फ्यूम्स रिलीज करने हो या किसी तरीके का वेस्ट मटेरियल हो, तो ऐसी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाए, तो ऐसी एनर्जी हमारी ग्रीन एनर्जी नहीं होती. तो पहले हमने देखा ग्रीन एनर्जी का मीनिंग. ओके, तो हम देखेंगे ग्रीन एनर्जी का इम्पोर्टेंस. नाउ ग्रीन एनर्जी का क्या इम्पोर्टेंस होता है. ओके, ग्रीन एनर्जी
is important for the environment as it replaces negative effects of the fossil fuels. With more environmental friendly alternatives. ठीक है, तो why green energy is very important, because जो भी हमारे environment में जिस तरीके के भी production होता है उसमें से हमें जो fossil fuels निकलते हैं या जिस तरीके का भी negative impact हमारे environment पे होता है, तो green energy से वो negative impact हमारे environment पे नहीं होता, जो कि 100% environment friendly and eco friendly होती है. ओके, तो इसके बाद हमें देखना है cogeneration और combined heat and power. ओके, सो दीज आर दी अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी. तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कोजनरेशन, दैट इज नथिंग बट कंबाइन हीट एंड पावर. हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे. ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द सीक्वेंशियल जनरेशन of two different forms of energy, useful energy from a single primary energy source, typically mechanical energy and thermal energy. तो क्या है कोजनरेशन? इट इज डिफाइंड एज द सीक्वेंशियल जनरेशन ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. मतलब हम अगर सपोज किसी थर्मल पावर प्लांट में हैं, हमने किसी बॉयलर को गर्म किया है, उनसे मिली है हमें हीट एनर्जी, तो उस हीट एनर्जी का हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के लिए उपयोग करते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी काम, या जितने भी प्राइमरी एनर्जी है हम उसे कह सकते हैं. ठीक है, तो अब कोजनरेशन कैसे होगा कि ये जो हमारी प्राइमरी एनर्जी है इसमें से कुछ एनर्जी वेस्ट होगी और कुछ एनर्जी का इलेक्ट्रिकल पावर में जनरेशन होगा. ठीक है, तो जो वेस्ट होने वाली एनर्जी है हम उसको सेकेंडरी एनर्जी कहेंगे और उसी का हम उपयोग करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के लिए. मतलब हमारी जो भी प्राइमरी एनर्जी है और जो भी सेकेंडरी एनर्जी है, हम दोनों तरीके से हमें पूरी की पूरी एनर्जी का यूज कर रहे हैं. किसी भी तरीके से हमारी एनर्जी हम वेस्ट नहीं होने दे रहे. ठीक है, तो जो भी हमारा वेस्ट एनर्जी का फॉर्म है और जो भी हमारा यूजफुल एनर्जी का फॉर्म है, हम दोनों तरीके से दोनों टाइप की एनर्जी को यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि जो भी फ्यूल हमने यूज़ किया है उसका पूरी तरीके से निचोड़ निकाल के हम उनसे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन. नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन? तो हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन refers to a variety of
टेक्नोलॉजीज। दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एट और नियर वेयर इट विल बी यूज्ड सच एज सोलर पैनल्स एंड कंबाइंड हीट। And power. Okay. In the residential sector, common distributed generation systems include solar, photovoltaic, panels, small wind turbines. ओके तो ये है डेटा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का। नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन रिफर्स टू अ वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एट और नियर वेयर इट विल बी यूज्ड। मतलब हम जिस तरीके की भी टेक्नोलॉजीज है या फिर वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज कह सकते हैं उनका उपयोग करके डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन करना है हमें। ठीक है, कैसे करेंगे? तो जो भी हमें यूज करना है इलेक्ट्रिसिटी उसके पास ही में हमें डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे, उससे हमें जिस जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है वहां तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइंस में कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा, उससे अच्छा हम जिस जहाँ पे भी जो जगह हमें यूज करनी है उसी के पास में, ठीक है, हम सोलर पैनल्स फिट कर देंगे या फिर किसी भी तरीके का जनरेशन करेंगे जो भी जो एक स्मॉल पावर प्लांट की तरह काम करे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास में ही हमारा सेंटर रहेगा जो भी जनरेशन सेंटर है, और उससे हमें ट्रांसमिशन कॉस्ट भी कम पड़ेगी, लॉसेस भी कम होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत पड़ती है। जो भी रेसिडेंशियल सेक्टर है उसमें भी हम ये डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन पहुंचाते हैं। कॉमन डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन सिस्टम इंक्लूड सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स स्मॉल विंड टर्बाइंस। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो भी स्मॉल पावर प्लांट है, जो भी सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स स्मॉल एंड विंड टर्बाइंस। आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों में भी सोलर पैनल्स फिट करते हैं जिससे कि सूरज की रोशनी से जो भी उनकी नेचुरल ग्रीन एनर्जी हम कह सकते हैं उसके उसको हम कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो अगर वो हमारे पास ही हमारा पावर प्लांट रहेगा तो हमें किसी भी तरीके की ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरीके के लॉसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है फ़ायदा हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशंस का। तो कल हम देखेंगे परसेंटेज पावर कंट्रीब्यूटेड बाय ईच सोर्स इन इंडिया एंड प्रेजेंट पावर सिनेरियो इन इंडिया अवेलेबिलिटी एंड डिमांड के हिसाब से। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।